वेलकम टू माय क्लास इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल प्रोग्राम देर आर नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन फंक्शंस गिवन टू अस हियर ए लिस्ट ऑफ ऑल इंफॉर्मेशन फंक्शंस इज गिवन टू यू ऑल फंक्शंस लिस्टेड हियर आर इन सेपरेट वीडियो लेक्चर्स लेट अस स्टार्ट इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर हम मल्टीपल फंक्शंस को यूज करेंगे इस नंबर फंक्शन को मैं इंफॉर्मेशन कैटेगरी से यूज कर रहा हूं डबल बी लुकअप फंक्शन को मैं लुकअप एंड रेफरेंस फंक्शन कैटेगरी से यूज कर रहा हूं और इफ फंक्शन को लॉजिकल फंक्शन कैटेगरी से लिया गया है दिस इज पार्ट सेकेंड आइएगा मूव करते हैं एक क्वेश्चन के ऊपर इन ऑर्डर टू सेव द टाइम हमने एक स्ट्रक्चर को ऑलरेडी जनरेट कर लिया हमारे पास यहां पर एक टेबल दी गई है जिसके अंदर चार कॉलम्स हैं द फर्स्ट वन इज़ रोल नंबर सेकेंड इज नेम थर्ड इज मार्क्स एंड द फोर्थ वन इज ग्रेड मुझे मार्क्स दिए गए हैं इन मार्क्स के बेस के ऊपर मुझे इनकी ग्रेडिंग करनी है ग्रेडिंग के लिए हमें कंडीशन यहाँ पर नीचे एक सेपरेट टेबल के अंदर दी गई हैं सबसे पहले तो मुझे इनकी ग्रेडिंग करनी है कौन सा स्टूडेंट ए बी सी कैटेगरी के अंदर आता है इसके बाद मेरे पास तीन रिक्वायरमेंट्स हैं पहली रिक्वायरमेंट मैं स्टूडेंट का रोल नंबर यहाँ पर टाइप करूँ और उसका ग्रेड निकल कर आ जाए सेकेंड रिक्वायरमेंट यह है कि यहां पर मैं उसका नाम लिखू और उसका ग्रेड आ जाए और थर्ड रिक्वायरमेंट यह है मैं रोल नंबर दू या नाम लिखू उस स्टूडेंट का ग्रेड मुझे यहाँ पर पता चलना चाहिए सो so, इस पर्टिकुलर काम को करने के लिए सबसे पहले मैं इफ फंक्शन को टेकअप कर रहा हूँ सो दैट इनकी ग्रेडिंग की जा सके आई राइट हेयर इज इक्वल्स टू फंक्शन इफ द फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इज लॉजिकल टेस्ट लॉजिकल टेस्ट के अंदर इस मार्क्स को देखो इज इट लेस देन फोर्टी अगर यह फोर्टी से कम है तो इस स्टूडेंट को फेल डिक्लेयर कर दो और अगर इसके मार्क्स फोर्टी नहीं है तो चेक करो क्या इसके मार्क्स सिक्सटी से कम है इस चीज को चेक करने के लिए मैं नेक्स्ट डिफ के अंदर आ गया एक और इफ़ को मैं यूज कर रहा हूँ अगेन द लॉजिकल टेस्ट चेक करो क्या C5 के अंदर वैल्यू लेस देन 60 है अगर लेस देन 60 है तो इस स्टूडेंट को ग्रेड दे दो सी अगेन चेक करो क्या ये मार्क्स 80 से कम है अगर मुझे एक बार फिर चेक करना है कि ये मार्क्स 80 से कम है तो मैं एक और इफ को इंसर्ट कर रहा हूं चेक करो C5 फाइव के अंदर दिए गए मार्क्स 80 से कम हैं अगर तो ये मार्क्स 80 से कम हैं, तो इस स्टूडेंट को बी ग्रेड दे दो मैंने डबल कोट के अंदर बी दे दिया और अगर ये स्टूडेंट के मार्क्स 80 से कम नहीं हैं, तो इसको ए ग्रेड दे दो ये भी मैंने डबल कोट के अंदर दे दिया आई क्लोज पेरेंथेसिस स्टूडेंट ध्यान देंगे अभी हमने लास्ट वाले इफ का पेरेंथेसिस क्लोज किया है अब मैं सेकेंड वाले इफ़ का पेरेंथीसिस क्लोज कर रहा हूँ और ये मैं लास्ट के अंदर फाइनल पेरेंथीसिस को क्लोज कर रहा हूँ आई प्रेस सेंटर जैसी मैंने प्रेस किया रोल नंबर वन जीरो ज़ीरो वन के का ग्रेड ए है मैंने फिल हैंडल को सिलेक्ट करके इसको नीचे ड्रैग डाउन कर दिया तो मेरे पास सभी स्टूडेंट की ग्रेडिंग हो गई आप देख रहे हैं कि जिस स्टूडेंट के मार्क्स फोर्टी से कम है वो फेल है दो जगह के ऊपर हमारे पास यहाँ पर फेल आया है अब मेरे पास जो तीन रिक्वायरमेंट्स हैं कि मैं यहाँ पर रोल नंबर टाइप करूँ और मेरे पास स्टूडेंट की ग्रेडिंग आ जाए इसके लिए मैं लिस्ट कमांड को यूज़ करूंगा कि मैं रोल नंबर टाइप नहीं कर रहा बल्कि लिस्ट कमांड के जरिए ऑटोमेटिकली मैं उसको टेकअप कर लूँ मैं रोल नंबर के नीचे वाले कॉलम के अंदर लिस्ट कमांड को यूज़ करना चाहता हूँ आई गो टू डेटा टैब डेटा टैब के अंदर डेटा वैलिडेशन डेटा वैलिडेशन के अंदर सेटिंग्स में अलाउड ड्रॉप डाउन बॉक्स के अंदर मैं लिस्ट कमांड को चूज करता हूँ और सोर्स पे क्लिक कर देता हूँ सोर्स के अंदर मुझे सबसे पहली बारी रोल नंबर देने हैं तो मैंने ये रोल नंबर को यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया आई से ओके ही मैंने ओके okay किया आप यहाँ पर एक छोटा सा ट्रेंगल देख सकते हैं मैं इस जगह पर किसी भी स्टूडेंट का रोल नंबर टेकअप कर सकता हूँ अब मुझे इस ग्रेड के नीचे वाले सेल के अंदर ग्रेड को एक्सट्रैक्ट करना है इसके लिए मैं यहाँ पर वी लुकअप के फंक्शन को टेकअप कर रहा हूँ वी लुकअप के फंक्शन के अंदर फर्स्ट आर्गुमेंट इज लुकअप वैल्यू इस वैल्यू को देखो जो कि हमें जी फाइव के अंदर दी गई है इस वैल्यू को कहां पर देखना है द सेकेंड ऑर्ग्यूमेंट इज टेबल एरे आप इस पर्टिकुलर टेबल के अंदर इसको देखिए थर्ड आर्गूमेंट इज कॉलम इंडेक्स नंबर इस टेबल के अंदर किस कॉलम में देखें रोल नंबर फर्स्ट नेम सेकेंड मार्क्स थर्ड कॉलम और ग्रेड फोर्थ कॉलम सो आई विल राइट हेयर फोर्थ कॉलम कॉमा। द लास्ट आर्गुमेंट इज रेंज लुकअप रेंज लुकअप के अंदर मेरे पास ऑप्शन हैं अप्रोक्सीमेट मैच की और एग्जैक्ट मैच की मैं एग्जैक्ट मैच को चूज करता हूं तो एक्सल फॉल्स इंसर्ट कर देता है पेरेंथीसिस क्लोज आई प्रेस सेंटर मैंने जैसे ही एंटर प्रेस किया मेरे पास रोल नंबर वन ज़ीरो ज़ीरो फाइव का ग्रेड आ गया ए मैं यहाँ पर रोल नंबर वन ज़ीरो ज़ीरो वन कर देता हूँ तो वन का भी ग्रेड ए है मैं यहाँ पर वन ज़ीरो ज़ीरो टू कर देता हूँ जिसका रोल नंबर वन ज़ीरो ज़ीरो टू है उसका ग्रेड बी आ गया सो so, मैं किसी भी स्टूडेंट का यहाँ पर रोल नंबर दूं और उसका ग्रेड यहाँ पर अपीयर कर दिया है हमने जिस फंक्शन को यहाँ पर यूज़ किया वो मैं आपकी रेफरेंस के लिए कॉपी करके नीचे दे रहा हूँ नाउ आई मूव ऑन टू द सेकेंड रिक्वायरमेंट अब मुझे रोल नंबर टाइप नहीं करना बल्कि यहाँ पर नेम को टाइप करना है मैं नेम को हाथ से टाइप नहीं करूँगा मैं इसकी एक लिस्ट चाहता हूँ सो so, मैं लिस्ट के लिए लिस्ट कमांड को यूज़ करूंगा मैंने नेम के नीचे वाले सेल पे क्लिक कर दिया आई गो टू डेटा वैलिडेशन डेटा वैलिडेशन के अंदर सेटिंग्स के अंदर अलाउड ड्रॉप डाउन बॉक्स के अंदर मैंने लिस्ट कमांड को चूज किया सोर्स के अंदर मैं इन सभी स्टूडेंट्स का नाम दे रहा हूँ आई से ओके आप यहाँ पर एक छोटा सा ट्रैंगल देख सकते हैं आई कैन चूज द नेम ऑफ एनी ऑफ द स्टूडेंट केयर मेरे पास यहाँ पर नेहा का नाम आ गया मैं स्टूडेंट का ग्रेड निकालने के लिए ग्रेड के नीचे वाले सेल के अंदर वी लुकअप के फंक्शन को टेकअप करूंगा वी लुकअप द फर्स्ट ऑर्गूमेंट इज लुकअप वैल्यू दिस इज माई लुकअप वैल्यू दैट इज द नेम गिवन टू मे सेल नंबर जे फाइव द नेक्स्ट ऑर्गूमेंट इज टेबल एरे इस नाम को आप कहाँ पर देखना चाहते हैं इस नाम को मैं इस पर्टिकुलर टेबल एरे के अंदर देखना चाहता हूँ स्टूडेंट ध्यान देंगे मैंने यहाँ पर रोल नंबर को एक्सक्लूड कर दिया क्योंकि मुझे यहाँ पर नाम चाहिए तो मैंने नेम के कॉलम से ही इस पर्टिकुलर टेबल को सिलेक्ट किया है कॉमा द नेक्स्ट आर्गूमेंट इस कॉलम इंडेक्स नंबर कॉलम इंडेक्स नंबर के लिए ये मेरे पास कंप्लीट टेबल है जिसके अंदर मैंने रोल नंबर को एक्सक्लूड किया है अगर मैं इस टेबल को यहाँ से देखता हूँ तो यहाँ पर यह कॉलम नंबर थ्री आता है सो so, मैंने यहाँ पर कॉलम नंबर थ्री दे दिया कॉमा नेक्स्ट ऑर्गूमेंट इज रेंज लुकअप रेंज लुकअप के अंदर मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए तो मैंने फॉल्स के ऊपर क्लिक कर दिया पेरेंथिस क्लोज आई प्रेस प्रसेंट्र नेहा का ग्रेड ए है नेहा का ग्रेड ए है मैं यहां पर राजीव का ग्रेड देखता हूं तो राजीव का ग्रेड भी ए है मैं समीर का ग्रेड देखता हूं तो समीर का ग्रेड सी है आप यहां पर इसको वेरीफाई कर सकते हैं इसके लिए हमने जिस फंक्शन को यूज किया वो मैं आपकी रेफरेंस के लिए नीचे दे रहा हूं दिस कम्प्लीट्स आवर सेकेंड रिक्वायरमेंट कि मैं किसी भी स्टूडेंट का नाम टाइप करूं तो मेरे पास उसका ग्रेड आ जाना चाहिए नाउ आई मूव ऑन टू द थर्ड रिक्वायरमेंट जिसके अंदर या तो मैं रोल नंबर को टाइप करूं या नेम को टाइप करूं दोनों में से मैं किसी भी चीज को टेक अप कर सकता हूं और मेरे पास यहां पर ग्रेड आना चाहिए सो so, मैं इस जगह के ऊपर रोल नंबर भी चाहता हूं और नेम भी चाहता हूं। मैं यहां पर लिस्ट कमांड को यूज़ करूंगा और लिस्ट कमांड को यूज करने के लिए मेरे पास रोल नंबर और नेम की लिस्ट होनी चाहिए ये लिस्ट ऑलरेडी मैंने बना के रखी थी सो एज टू सेव द टाइम मैं अब रोल नंबर और नेम के नीचे वाले सेल के अंदर क्लिक करके आई गो टू डेटा वैलिडेशन डेटा वैलिडेशन के अंदर सेटिंग्स में अलाउड ड्रॉप डाउन बॉक्स में मैं लिस्ट कमांड को चूज करता हूं और सोर्स पे क्लिक कर देता हूं। सोर्स के अंदर मैंने ये कंप्लीट रेंज को दे दिया रोल नंबर प्लस नेम ये मेरे पास कंप्लीट रेंज यहां पर आ गई आई से ओके जैसे ही मैंने ओके okay किया मेरे पास यहां पर एक छोटा सा ट्रैंगल आ गया नाउ इधर आई कैन सेलेक्ट रोल नंबर आर आई कैन सेलेक्ट द नेम अब मुझे इस फंक्शन को इस तरह से लिखना है कि चाहे यहां पर रोल नंबर हो या नेम हो लेकिन उसका ग्रेड निकलकर आना चाहिए तो मैंने ग्रेड के नीचे वाले सेल के अंदर क्लिक कर दिया इस जगह पर मैं इफ फंक्शन को टेक अप कर रहा हूं इफ फंक्शन के अंदर हम सबसे पहले चेक करेंगे इस नंबर फंक्शन को इस नंबर फंक्शन के अंदर द ओनली आर्गूमेंट इज वैल्यू वैल्यू केस के अंदर मैंने यह सेल का नंबर दे दिया एम फाइव इस नंबर चेक करेगा क्या ये नंबर है अगर तो नंबर है तो ये फर्स्ट पार्ट को एग्जीक्यूट करेगा और फर्स्ट पार्ट के अंदर मैं वी लुकअप के फंक्शन को टेकअप कर रहा हूं वी लुकअप लुकअपेर स्टार्ट द फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इज लुकअप वैल्यू इस वैल्यू को देखो जो कि एम फाइव के अंदर दी गई है इस वैल्यू को कहां पर देखो इस वैल्यू को टेबल एरे दिस इज माई टेबल एरे इसको इस टेबल एरे के अंदर देखो विच स्टार्ट फ्रॉम ए फाइव टू डी फोर्टीन कॉमा द नेक्स्ट आर्गूमेंट इज कॉलम इंडेक्स नंबर इस टेबल एरे के अंदर कौन से कॉलम में से हम डेटा को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं फोर्थ कॉलम सो आई राइट इट हेयर फोर कॉमा मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए तो मैंने फॉल्स पे क्लिक कर दिया यहां पर मेरा फर्स्ट वी लुकअप कंप्लीट हो गया इस नंबर फंक्शन चेक करेगा क्या यहां पर नंबर है अगर नंबर है तो इस पार्ट को एग्जीक्यूट कर दो और अगर यहां पर नंबर नहीं है तो सेकेंड पार्ट को एग्जीक्यूट कर दो सेकेंड पार्ट के अंदर भी मैंने एक वी लुकअप के फंक्शन को टेकअप कर लिया द फर्स्ट आर्गूमेंट इज लुकअप वैल्यू देन एम फाइव इज द लुकअप वैल्यू कॉमा टेबल एरे इस केस के अंदर मेरा टेबल एरे स्टार्ट होगा बी कॉलम से दिस इज माई टेबल एरे क्योंकि फर्स्ट वाला वी लुकअप रोल नंबर से रिलेटेड है सेकंड वी लुकअप नेम से रिलेटेड है तो हमने इसको नेम से स्टार्ट कर दिया कॉमा द नेक्स्ट वन इज कॉलम इंडेक्स नंबर इस केस के अंदर कॉलम इंडेक्स नंबर के अंदर मेरे पास नंबर थ्री आ रहा है ग्रेड का सो so मैंने यहां पर थ्री लिख दिया मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए तो मैंने फॉल्स पे क्लिक कर दिया पेरेंट इस क्लोज स्टूडेंट ये मैंने सेकेंड वी लुकअप को क्लोज किया है अभी मैंने इफ फंक्शन को क्लोज नहीं किया मैं एक और पेरेंथेसिस लगा के इफ फंक्शन को क्लोज कर रहा हूँ आई प्रेसेंट्र आप देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पर रिजल्ट निकल कर आ गया अमित इज़ फेल। मैं किसी और स्टूडेंट का नाम लेता हूँ आई टेक अप नेम ऑफ वासु वासु केस के अंदर दिस इज ए ग्रेड मैं वासु का यहाँ पर रोल नंबर लेना चाहता हूँ द रोल नंबर ऑफ वासु इज वन जीरो वन जीरो वन जीरो वन जीरो केस के अंदर अगेन ए ग्रेड मैं यहाँ पर रोल नंबर को चेंज करना चाहता हूँ मैंने 1001 ले लिया आई प्रेसेंटर नाउ दिस इज़ अगेन ए ग्रेड अगर मैं ये 1002 लेता हूँ देन यू कैन सी दिस इज बी ग्रेड सो स्टूडेंट मैं यहाँ पर रोल नंबर लिखूँ या नाम लिखूँ मेरे पास यहाँ पर ग्रेड निकल कर आ गया हमने इस पर्टिकुलर फंक्शन को यहाँ पर यूज़ किया ये मैं आपकी रेफरेंस के लिए नीचे दे रहा हूं एक बार इस फंक्शन को दोबारा से अंडरस्टैंड करेंगे इफ इज नंबर एम फाइव अगर तो एम फाइव के अंदर नंबर है जैसे कि आप देख रहे हो नंबर है तो फर्स्ट वी लुकअप को एग्जीक्यूट कर दो और अगर यहां पर नंबर नहीं है नाम है तो सेकेंड वी लुकअप को एग्जीक्यूट कर दो स्टूडेंट हमने पूरे के पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया जिसके अंदर हमें तीन रिक्वायरमेंट दी गई थी फर्स्ट रिक्वायरमेंट के अंदर हमारे पास रोल नंबर टाइप करना था सेकेंड केस के अंदर हमें नेम टाइप करना है और थर्ड केस के अंदर हमें रोल नंबर या नेम को टाइप करना है हमने इन तीनों रिक्वायरमेंट्स को यहाँ पे फुलफिल कर लिया दिस कंप्लीट्स आवर क्वेश्चन मैं उम्मीद करूँगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से आपको बहुत सारी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करने के अंदर मदद मिलेगी थैंक यू वेरी मच